हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, 6 महीने पहले जब लोकसभा से मोदी जी ने बात की थी पीएसयू के बारे में, तो भैया लोगों को करोड़पति बना दिया और बहुत सारे पीएसयू स्टॉक डबल हो गए। उसके बाद मोदी जी जब तेजस में बैठे, जो एचएल बनाता है, उसके बाद एचएल के शेयर भागना चालू हो गए, उन्होंने बम्पर रिटर्न दिए। और कल राज्यसभा से उन्होंने LIC की बात की। लाइव सेशन में जो हम आते हैं आपके साथ, तो डिस्कस कर चुके हैं कि 920 के ऊपर IPO ट्रेडिंग सेटअप का ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो कल मोदी जी ने LIC की बात की और आज LIC 6% ऊपर भी है। तो पहले उन्होंने क्या कहा उसको आप खुद सुन लीजिए, क्योंकि मैं बोलूंगा मजा नहीं आएगा, मोदी जी की सुनेंगे तो मजा आएगा, और फिर हम LIC की यूनिक एनालिसिस करेंगे। ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर खोजा करके लपक लेते। LIC क्या चलाया? आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, अब प्रचार किया जा रहा है पीएसयू बंद हो गए, अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बस किसी ने पकड़ा दिया। बोलो 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में, अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234, आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कोई कौन सा एरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। मोदी जी की बात सुनकर मजा आया हो तो जल्दी से लाइक का बटन तो दबा दीजिए। जितने भी पीएसयू शेयर भागे थे ना, उसके पीछे एक हुक पॉइंट था, जो मैंने पीएसयू बैंक की रैली के समय भी वो हुक पॉइंट को फंडामेंटल से आपको सिखाया था, और कुछ मैजिक, कुछ जलवा यहाँ भी LIC में है। तो क्या वही मैजिक रिपीट होगा, वो हम लास्ट में कवर करने वाले। तो लास्ट होने वाला है इंटरेस्टिंग, जो डायरी में भी आप नोट कर पाओगे, तो लास्ट बिल्कुल मिस मत करना। और वहां पर मजे की चीज क्या है, जब आप किसी कंपनी की एनालिसिस देखते हो ना, तो सबका अपना अपना तरीका है। तो ये है इंश्योरेंस कंपनी, इनका फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका बहुत अलग होता है दूसरी कंपनियों से, तो वो भी एक यूनिक चीज़ आज सिखाने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सके। स्टॉक मार्केट किसी भी अपडेट के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, मार्केट खुलने से पहले सारी अपडेट मिलती है। तो चलिए आज देखते हैं कि भैया 530 के लो से यहां कैसे पहुंचा और आगे जाएगा या नहीं जाएगा, यानी बिजनेस मॉडल को समझना, राइट। ये IPO ट्रेडिंग सेटअप है क्या, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग कैसे कैश फ्यूचर ऑप्शन में होती है, मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, मैंने कैसे 920 के ऊपर ब्रेकआउट सोचा, ऐसी कई सारी चीजें जो प्रूफ के साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो हम 10 फरवरी की मास्टर क्लास में सिखाने वाले हैं, जहां पर आप सीखकर खुद का बॉस बनकर सेकंड अर्निंग और नौकरी से आजादी पा सकते हैं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। कोई भी बिगनर बिंदास सीख सकता है, क्लास हिंदी में होती है, तो किसी को घबराना नहीं है। लेडीज हो या जेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो या रिटायर्ड पर्सन हो, बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि हम आपको रिविजन भी देते हैं, हैंड होल्डिंग भी देते हैं, मेंटोरशिप भी देते हैं। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको होमवर्क मिलेगा, आप होमवर्क बनाएंगे, होमवर्क मेंटर के साथ डिस्कस करेंगे, मतलब इस स्कूल कॉलेज की तरह का सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है, जिससे हर एक इंडियन सीख सके और कमा सके, राइट। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। और आज भी जब मैं लाइव आया था, तो प्रूफ आपके सामने है कि किस तरीके से लोग सीख कर कमा रहे हैं, तो मौका मत जाने दीजिए, क्योंकि प्रूफ आपके सामने है। तो यानी मैंने किसी को टिप्स नहीं दी, वो सीख कर कमा रहे हैं, ये है सैल्यूट वाली बात और दिल से वाली बात। तो बिजनेस मॉडल समझे तो LIC भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी और मार्केट में 65 साल से काम कर रही है। इंश्योरेंस बिजनेस मॉडल सिंपल है, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। पहला
कंपनी जो इंश्योरेंस देती है, दूसरा एजेंट जो इंश्योरेंस को प्रमोट करता है, और तीसरा जो पॉलिसी होल्डर है यानी कि कस्टमर। जब आप इंश्योरेंस बाय करते हैं तब एक टेन्योर के लिए आप प्रीमियम पे करते हैं, उस प्रीमियम का इस्तेमाल LIC इन्वेस्टमेंट में करती है, जैसे स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में या गवर्नमेंट बॉन्ड में, जहां से रिटर्न कमा के कंपनी आपको रिटर्न देती है, पॉलिसी बेनिफिशियरी इसको क्लेम करते हैं। मोटा मोटा ये बिजनेस है। और इसके अलावा जो एजेंट जिसने आपको पॉलिसी के बारे में बताया था उसको कमीशन मिलता है। ये है पूरा इकोसिस्टम इसके बिजनेस मॉडल का। अगर हम ग्लोबल रैंक की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस GWP के हिसाब से वर्ल्ड में 5th रैंक पर है। GWP का मतलब है ग्रॉस रिटेन प्रीमियम। ये इंश्योरेंस मार्केट का मेन इंडिकेटर है। इसको सिंपल भाषा में समझें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसके बिजनेस मॉडल के बारे में कि कंपनी अपने प्रीमियम लेती है और बीच में उसका कमीशन एजेंट को देती है। सो GWP वही टोटल प्रीमियम अकाउंट है जो आपने पे किया है पॉलिसी की मैच्योरिटी तक। इसमें से एजेंट के कमीशन को डिडक्ट नहीं किया जाता है। टोटल एसेट के हिसाब से देखें तो LIC का रैंक 10th आता है ग्लोबली। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो LIC के पास टोटल AUM था 40 लाख करोड़ का, जो कि 30 सितंबर 2023 तक बढ़कर लगभग 47 लाख करोड़ का हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक सवाल, क्या लगता है मोदी जी की टिप के बाद ये 1000 का माल 2000 में हो जाएगा? किस किस को लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा LIC का बिजनेस मॉडल इंडिया के बाहर भी है। LIC का ग्लोबल ऑपरेशन देखें तो ये फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, कतर, कुवैत और UK में है। तो ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, सबको देखना और सुनना पसंद है। वहां पर अब हम इनके मार्केट शेयर की बात करते हैं। तो LIC का जो मार्केट शेयर है न्यू प्रीमियम रिटर्न के हिसाब से देखें तो 2019 में 71% था, 2020 में 69.4%, 2021 में 63.4%, नवंबर 2022 में 67.4% और नवंबर 2023 तक सिर्फ 58.8% पर आ गया है। तो यानी कि क्या हो रहा है, घट रहा है ना धीरे धीरे, मोटा मोटा यही तो कहानी है। तो मार्केट शेयर क्यों घट रहा है? क्योंकि किसी कंपनी का मार्केट शेयर घटना तो कहीं से अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर आप नजर डालोगे तो HDFC लाइफ का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, SBI का बढ़ रहा है, राइट? तो इनका क्यों घट रहा है? तो टफ कंपटीशन मिल रहे हैं प्राइवेट प्लेयर से। प्राइवेट प्लेयर जहां 18% CAGR से सेल में ग्रोथ शो कर रहे हैं, वहीं LIC सिर्फ 9% से। तो बात आती है क्यों सेल्स प्राइवेट प्लेयर का तेजी से बढ़ रहा है और इनका लगभग आधा है। तो LIC न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में पीछे है, वहीं प्राइवेट प्लेयर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में और इंप्लीमेंट करने में आगे है। LIC एजेंट पर डिपेंडेंट है पॉलिसी को सेल करने में, वहीं प्राइवेट प्लेयर के पास एजेंट वाली समस्या नहीं है। इससे LIC को एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है एजेंट को कमीशन देने में, लेकिन LIC के इतने बड़े साम्राज्य के फैलने के पीछे भी इन्हीं एजेंट का हाथ है, ये कभी भूलने वाली बात नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि ग्रॉस NPA हाफ ईयरली वाला फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 2.43% तक आ गया था, जो हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 5.6% पर था। NPA का कम होना इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत बड़ी सफलता है। यहां पर हम अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो सवाल आप यही करोगे कि क्या ऐसे ही मार्केट शेयर लूज करता रहेगा या गवर्नमेंट कुछ अपने बिजनेस मॉडल में चेंज करने वाला है। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि मोदी जी ने LIC पर कितना भरोसा दिखाया, वो भी ठीक जब रिजल्ट आने वाला है उससे पहले, तो रिजल्ट से पहले माहौल गर्मा दिया है। तो लोगों का अनुमान यह है कि Q3 रिजल्ट अच्छा आने वाला है, यानी प्रीमियम कलेक्शन में इजाफा होने का अनुमान है। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है जो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि PSU की रैली के पीछे ये डेटा बहुत काम आया है, जो है इनके अंडर वैल्यू होने का। अगर आप गौर करो तो जितने भी PSU स्टॉक ने बंपर रिटर्न दिया है, वो भले बिजनेस धंधा कम कर रहे थे बट रिटर्न देने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि सरकार ने जैसे जैसे वर्क करना स्टार्ट किया उनको ऑर्डर बुक मिलते गए या खुद में इंप्रूवमेंट होता गया या उस सेक्टर की डिमांड बढ़ती गई। तो चूंकि वो अंडर वैल्यू थे तो एटलीस्ट वो महंगे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने एटलीस्ट अपने आप को एज पर मार्केट वैल्यू लाने की कोशिश की, और सिर्फ एज पर मार्केट वैल्यू लाने की कोशिश की उस कंडीशन में शेयर को डबल होने थे, जो शेयर डबल हो गए। और कुछ ऐसी ही कहानी यहां पर दिखती सी दिख रही है। ऐसे तो ROC देखोगे तो 149% का, ROE देखोगे तो 130% का है, सेल ग्रोथ 5 साल का 8.37% का है, प्रॉफिट वर्सेस 5 ईयर का 71.6% का है। ये डेटा सब बहुत कुछ अच्छा दिखा रहा है। फ्री कैश फ्लो 59,174 करोड़ का है, लेकिन जो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली ना, इंडस्ट्री पी जब देखते हो ना 45.6,
और स्टॉक पी देखते हो तो 18.8, वहां पर पीजी रेशियो भी 0.26, यानी अदर मिरेकल जो अदर पीएसयू के साथ हुए थे, अंडर वैल्यू वाला जो टैग था वो यहां पर था। दैट मींस कि अगर कोई भी हुक या मोदी जी का जलवा अगर मिले तो इसको एटलीस्ट एट पार की तरफ जाता है, बट कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ही हुआ क्या, किस तरीके से हुआ वो हम यहां पर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम आपको आपके साथ विद डेटा फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को जब हम समझते हैं जानते हैं तो हमें एक फायदा मिलता है। तो आपको क्यों लगता है कि मोदी जी भरोसा दिखा रहे हैं, या कुछ बिजनेस मॉडल चेंज करेंगे, या मार्केट शेयर बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, जिस पर नजर रखने वाली बात है। तो LIC का रिजल्ट भी आ गया है, तो रिजल्ट भी जान लेते हैं जल्दी से कि LIC ने नेट प्रीमियम इनकम में 4.67% का ग्रोथ शो किया है, जो रिसेंट क्वार्टर में 1.17 लाख करोड़ पर पहुंच गया है, जो कि सेम क्वार्टर 2022 में 1.1 लाख करोड़ का था। अगर नेट प्रॉफिट में देखें तो 9,441 करोड़ रहा, जो कि 2022-23 में 6,334 करोड़ था। जो सबसे मज़ेदार चीज़ आप देखोगे, ग्रॉस NPA में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। ग्रॉस NPA अभी 2.15% पर है, जो सेम क्वार्टर में 5.02% पे था पिछले साल। अगर AUM देखें, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो बढ़कर 49.66 लाख करोड़ हो गया है दिसंबर 2023 में, एज कंपेयर टू अगर हम 31 दिसंबर 2022 करें तो वहां पर 44.34 लाख करोड़ था। यानी जो वीडियो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे AUM के बारे में जो घट रहा है, वो एक बहुत अच्छा चेंज दिखा है यहां पर, अराउंड 11.5-12% के लमसम की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये एक बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट ओवरऑल आया है। ये वीडियो के लास्ट में है, इंटरनल हो सकता है मेरे से कुछ छूट गया हो, तो वो जब तक हम डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो शूट हो चुकी थी और वीडियो शूट होने के बाद ये रिजल्ट आया है, तो मुझे क्विकली ऐड करना था। अगर कुछ चेंज लगे तो मैं ट्विटर या मेरा टेलीग्राम या मेरा व्हाट्सअप चैनल, उस पर मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा। बाकी ओवरऑल तो मुझे लगता है मोदी जी को पता था, तभी तो उन्होंने राज्यसभा में भी बोल दिया। आप चार्ट का भी ब्रेकआउट देख लो, मोदी जी की भी पावर देख लो, और इधर रिजल्ट की भी पावर देख लो। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूं तो एज पर टेक्निकल डेफिनेटली IPO ट्रेडिंग सेटअप का ब्रेकआउट हुआ है, जो इसको एक मोमेंट दे रहा है, आपके सामने है। कैसी लगी लर्निंग? कमेंट में बताइएगा, और लोगों के साथ शेयर करके प्यार मोहब्बत देते रहिए।